संदीप मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, अगर आप तक मेरी आवाज न पहुंच पा रही हो सर, जल्दी से मैं आपका ओपनिंग रिमार्क चाहूंगी और सबसे पहले आपका कमेंट चाहूंगी इस बात पर कि क्या करना चाहिए अब हमें पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का असल चेहरा एक बार फिर से बेनकाब होता हुआ, एक तरफ खेल, दूसरी तरफ आतंकवाद। जनतंत्र के माध्यम से सबसे पहले जो लोग जिन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं, मैं उन परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने कम से कम इस मर्यादा, इस मान को तो रखा कि उन परिवारों की सुध ली जो दर्द में है, आंसू में है, खून में है, वरना चैनलों से तो ऐसी डिबेट गायब है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात सिर्फ इतनी है कि उम्मीद करता हूँ 0.30 में मोदी जी फिर से पाकिस्तान बिना बुलाए कटोरा लेके बिरयानी खाने नहीं जाएंगे। जो लाल लाल आंखें दिखाने की बात कर रहे थे, एक के बदले 10 सिर लाने की बात कर रहे थे, उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री उस बात पर अमल करेंगे। हालांकि उनकी बातों में कभी भी यकीन नहीं करता हिंदुस्तान कि वो बोलते क्या है, करते क्या है, कहते क्या है, सुनते क्या है। एक जुमलेदार दागदार प्रधानमंत्री होके रह गए हैं, इसके अलावा उनकी कोई मिसाल शेष नहीं रही है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करेंगे कम से कम उस कुर्सी को घेरे हुए बैठे हैं, जिस कुर्सी को प्रधानमंत्री की कुर्सी कहते हैं, अगर कब्जाए हुए बैठे हुए हैं तो कम से कम न्याय भी करें। कब तक ये कुर्सी कुर्सी का खेला खेलते रहेंगे? अधिकार है उनका, कहां कब्जा करके बैठे हैं? अब आप जरूरत से ज्यादा जनता ने मैंडेट दिया है एनडीए परिवार को, जनता के मैंडेट से अटक गई, लेकिन ओवरऑल तो आंकड़े उन्हीं के फेवर में हैं। प्रधानमंत्री बने हैं, किसी के कृपा पे नहीं बने हैं। मैंडेट क्या है आप सुन लीजिए साहब, पता नहीं कौन बोल रहे हैं, सुन लीजिए, आलोची बात कर रही है बीजेपी की तरफ से। मैंडेट तो बात मांग रहे थे 404 का, 303 से रिपट के नीचे चले आए 240 से। कहां मैंडेट है? कहां मोदी के गुब्बारे को, 56 के गुब्बारे को हवा मिली? क्यों जो एनडीए एनडीए साझा बन साझा होके नहीं लड़ी थी? एनडीए ने जो एनडीए ने चुनाव के पहले साझा बन के लड़े थे, हम साझा सरकार में लड़े थे, हमारा एनडीए का अलायंस था। अब बात क्या कर रहे हैं, आपको कुछ मालूम ही नहीं है? फिर आपका कोई अलायंस नहीं था, आपके अलग अलग थे सारे लोग, अलग अलग है। मोदी है, एनडीए है, आप क्या उम्मीद करते हैं भारत सरकार से? क्या कदम उठाया जाना चाहिए? कैसे सबक सिखाया जाए पाकिस्तान को? आप जाहिर तौर पर देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि मजबूत प्रधानमंत्री कहने वाले लोगों को एक बार मोदी जी को अपनी मजबूती दिखानी होगी। 56 इंच का सीना कहने वाले प्रधानमंत्री को दिखाना होगा कि 56 इंच के सीने में कुछ दम भी है, ताकत भी है, दुश्मन से निपटने का हौसला और शक्ति भी है। मैं समझता हूं कि ऐसा बदला लिया जाएगा कि पाकिस्तान की पीढ़ियां याद करेंगी, दोबारा ऐसा कायराना हरकत करने की हिम्मत और हिमाकत नहीं करेगा। मैं अपने प्रधानमंत्री से यही उम्मीद करता हूं और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, प्रधानमंत्री जी बिरयानी खाने पाकिस्तान गुपचुप से मत चले जाना, नवाज शरीफ की मां को सॉल मत देना। हमारे यहाँ कफन में लपेट के लोग आए हैं, हमारे यहाँ खून की होली वो खेल रही है और आप सौगात सौगात खेलते हो। ये हिंदुस्तान की सीने में कले उनके घर में फिर से घुसकर सबक सिखाने की आवश्यकता। संदीप मिश्रा जी डिमांड करते हैं सरकार से एयर स्ट्राइक होना चाहिए। मारने का काम जो हमने किया था वो आपने किया था। प्रधानमंत्री शुद्ध वेजिटेरियन है, आप उनको बार बार बिरयानी खिला रहे हैं, जलन बात मत कीजिए। आज अगर पाकिस्तान जला हुआ है, थर्राया हुआ है, तो हमारी प्रधानमंत्री की वजह से। इन्हीं की कमजोरी का फायदा है, इन्हीं की कायरता का फायदा है कि हमारे लोग शहीद हुए। ये मोदी ना होते तो हम इतनी मजबूर ना होते, ये पाकिस्तान भी बता रहा है, हिंदुस्तान भी देख रहा है। आज इतनी हिम्मत हो गई कि हमारी सरहदों में घुस के हमारे लोगों को मार दे? मोदी जी कहाँ सो रहे हो, कहाँ गुम हो? नायडू और नीतीश को बचाने में सीमा एक बार फिर से 56 इंच का सीना दिखाने का वक्त आ गया है। आलोक देखिए, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, इनको तो पहले की इनको तो तथ्यों का ज्ञान नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को बिरयानी खिला रहे हैं। अरे वो वेजिटेरियन आदमी है, शांत रहिए, वेजिटेरियन आदमी है, हो गया आपका राज्यसभा का टिकट कंफर्म हो गया, अभी शांत रहिए। हम चुनाव जीत के आए हैं, जनता के मैंडेट से जीत के आए हैं, किसी के आपके रहमो करम पर नहीं आए हैं। हम तो 240 के पास थे अकेले, आप तो 99 पर आके आपको सेंचुरी भी नहीं मार पाए। आप क्या बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? आप 100 के पार भी नहीं जा सके और आप कटोरा लेके आप मांग रहे थे, कभी राजद से, कभी उधम से, कभी अखिलेश से कि दे दो कुछ सीट, दे दो कुछ सीट हमको। आप कहाँ हैं? अभी आने वाले 30-40 साल तक आप कांग्रेस कहीं नहीं आएगी, कहीं आने का आपको कोई उम्मीद नहीं है। आप
शांत रहिए, आप कहीं, आपको आने का कहीं सत्ता में आने का कहीं दूर दूर तक उम्मीद नहीं है।